नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है स्पुटनिक स्वीट हार्ट बाय हरुकी मुराकामी। हरुकी मुराकामी की पहले भी मैं काफ़ी बुक्स को रिव्यू कर चुका हूँ इस वाले चैनल पे, एंड ये एक और क्लासिक नॉवल है हरुकी मुराकामी की तरफ से। ये वाली जो बुक है ये सुमायर नाम की एक लड़की की कहानी है जो कि होमोसेक्सुअल है, वो एक लेस्बियन है एंड 17 साल बड़ी एक लेडी के साथ वो प्यार में पड़ जाती है। सुमायर जो है एक अपकमिंग राइटर है, वहीं म्यू जो है एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बट सुमायर को जो है उससे प्यार हो जाता है। अब सुमायर का एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको इस बुक में नाम दिया गया है के। इसका पूरा नाम नहीं बताया गया इस कैरेक्टर का, बट ये जो है ये पूरी बुक का नरेटर है। ये जो लड़का है ये पूरी बुक का नरेटर है एंड ही हैपन्स टू बी सुमायर्स बेस्ट फ्रेंड। अब सुमायर जो है उसको रात भर फ़ोन करके बात करते अबाउट सेक्सुअल डिज़ायर्स, अबाउट डिफरेंट इश्यूज इन लाइफ, लाइफ में कैसे कैसे डिसीजंस लेने, क्या है क्या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करती है। अब इस बीच में जो के है वो भी कंफ्यूज्ड है कि मैं खुद सुमायर से प्यार करता हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स उसको बताऊँ नहीं बताऊँ, क्या है क्या नहीं है। इसी बीच में क्या होता है कि एक दिन अचानक से मियू का फ़ोन आता है एक ग्रीक आइलैंड से, जब वो बताते हैं कि सुमायर जो है गायब हो गई है। अब वो क्यों गायब हुई है, कैसे गायब हुई है, एंड क्या सुमायर कभी वापस लौट पाएगी नहीं लौट पाएगी, क्या है क्या नहीं है, वो कहानी है स्पुटनिक स्वीटहार्ट की। तो एक लव ट्रायंगल है इस वाली पूरी बुक में, एंड आई मस्ट से कि ये ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, 7-8 घंटे की इसकी ऑडियो बुक थी एंड इट इज़ फैसिनेटिंग टू रीड। कहानी बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, ट्रांसलेशन बहुत सिंपल करी गई है एंड आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी एंड ये बुक आपको स्टिक्ड रखेगी, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो या कुछ है। मेरी तरफ से इस बुक को 4.1 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। काफ़ी मज़ा आया इस वाली बुक को पढ़ के, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मियू का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लगा, सुमायर का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लगा, एंडिंग इस बुक की मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा जो के का कैरेक्टर है उसके लाइफ में क्या क्या शेड्स हैं वो भी बहुत अच्छे लगे मेरे को। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।